फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने वीडियो डाला था इम्पॉर्टेंट नोट ऑफ डॉक्टर फास्टस। उसके बाद ये तीसरा वीडियो है डॉक्टर फास्टस मार्लोस कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा। मार्लो ने इंग्लिश ड्रामा में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उसी के बेस पे ये वीडियो मैंने बनाया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू यू सो लेट्स बिगेन। क्रिस्टोफर मार्लो 1564 एंड 1593 इज ए सच नेम ऑफ रिवोल्ट पॉइंटर हु सेप्ट इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम इट्स हेल्टर स्केल्टर। ही इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एज चौसर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। रिचर्डसन फॉर इंग्लिश फिक्शन एंड बेकन फॉर इंग्लिश एस्से। सो इज ए ग्रेट नेम अमॉन्ग प्री शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट। जैसा कि चौसर हैं इंग्लिश पोएम के फाउंडर क्रिएटर, ऐसे ही रिचर्डसन माने जाते हैं इंग्लिश फिक्शन के और बेकन माने जाते हैं इंग्लिश एस्से के। ऐसे ही क्रिस्टोफर मार्लो हैं प्री शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट। जितने भी ड्रामाटिस्ट में तो शेक्सपियर का नाम आता है, लेकिन प्री शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट में क्रिस्टोफर मार्लो का नाम आता है। सो उनके क्या क्या उन्होंने लिखे हैं इम्पोर्टेंट, इसके बारे में नज़र डालते हैं। मार्लोस हीरो एंड लेंडर 1592 में लिखा गया है। टेम्बुरलेन द ग्रेट 1587 एंड 1588। डॉक्टर फास्टस 1588 to 92। द ज्यू ऑफ मेल्टा 1592। एडवर्ड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा है जो आप पढ़े होंगे या देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा क्रिस्टोफर मार्लो का। रेनेसांस इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड है। जैसे कि टी एस बोस एडमायर सेइंग दैट, टी एस बोस ने उन बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया है ये कहते हुए, मार्लो इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग फिगर इन आवर ओन आर इंडीड इन एनी लिटरेचर। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि मार्लो बहुत ही फैसिनेटिंग आकर्षित फिगर हैं इन लिटरेचर में, वास्तव में। फॉलोइंग आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्लोस टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अब कुछ उनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हैं जो कि मैंने नंबर वाइज किया है, नंबरिंग करके लिखा है। ए न्यू कंसेप्ट ऑफ रोमांटिक ट्रेजेडी हिस्टोरिकल प्लेस है। उनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं उनके इंग्लिश ड्रामा के, ब्लैंक वर्ड्स आर माइटी लाइन, ए न्यू शेप ऑफ मोरेलिटी प्ले, मोरेलिटी प्ले, कॉमिक सीन इन ट्रेजेडी, आर्ट ऑफ कैरेक्टर सिस्टम। सो ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनके ड्रामा के। नेक्स्ट, इट इज मार्लो हु ब्रॉट आउट ए ग्रेट रेवोल्यूशनरी चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसिशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा फॉर मेडिवलिज्म ऑफ सेनेका। ही इज द फाउंडर ऑफ द ओरिजिनल रोमांटिक ट्रेजेडी। डॉक्टर फास्टस, यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो ने एक ग्रेट क्रांति लाई थी, एक न्यू कंसेप्ट लाया था ड्रामा के प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए, अच्छे से बिल्ड करने के लिए उन्होंने एक क्रांति लाई थी। संक्रमित होने से, एक प्रकार से गलत होने से, जो उनका कंसेप्ट गलत तरीके से जा रहा था, बन रहा था, उसको उन्होंने हटाया और एक अच्छा कंसेप्ट रोमांटिक ट्रेजेडी के वो फाउंडर बने और बहुत ही अच्छा क्रांति लाया ड्रामा में। जनरली द हीरो ऑफ द ड्रामा हैड बीन टेकन फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी बट मार्लो, जनरली द हीरो ऑफ द ड्रामा हैड बीन ग्रेट हैड बीन टेकन फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी बट मार्लो चेंज इट एंड हिज हीरो और रेनेसेंस आइडियल ऑफ इंडिविजुअल रैथ एज इट इज इन द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस इज द लीडिंग कैरेक्टर इन द प्ले कोरस इंटर एंड इंट्रोड्यूस। जनरली क्या होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं, लीड रोल जो करते हैं, जो मेन हीरो होते हैं, वो बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी होते हैं, बहुत ही रिच फैमिली से होते हैं, उनको बहुत ही बड़ा और ग्रेट दिखाया जाता है। बट इसमें इन्होंने इस कंसेप्ट को चेंज किया है, उनके जो हीरो हैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, बहुत ही नॉर्मल प्लेस से दिखाया गया है, सामान्य फैमिली से दिखाया गया है,
जो कि वो बहुत वो हीरो का रोल निभाते हैं, और उन्होंने इस करेक्टर को, जो डॉक्टर फास्टस है, उन्होंने इस करेक्टर को लीड किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कविता की देवी, जिसको कोरस कहते हैं, उन्होंने इस ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया है, शुरुआत किया है, स्टार्ट किया है। नाउ इज ही बॉर्न हिज पेरेंट्स ऑफ स्टॉक इन जर्मनी विथ इन ए टाउन कॉल रोडेस, स्टार्ट हुआ यहाँ से ड्रामा। बिसाइड दिस यूनिटीज, अर्थात द यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ड्रामा कि वॉट इज द यूनिटी ऑफ टाइम, वॉट इज द यूनिटी ऑफ प्लेस एंड वॉट इज द यूनिटी ऑफ एक्शन। कहाँ पे एक्शन, कहाँ पे टाइमिंग और प्लेस का बहुत ही अच्छा बैलेंस दिखाया गया है और वेरी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मार्लो रिप्रेजेंट ए लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज हीरो लाइक इन द रोमांटिक वे ही मेड ट्रेजडी ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल हीरो, देयर इज ए कन्फ्लिक्ट इन हिज ड्रामा बट नॉट बेटर एंड डल लाइक एम सी एट क्लॉसी ही इंट्रोड्यूस वनली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड ऑफ हीरो डॉक्टर फास्टस। उन्होंने एक रोमांटिक तरीके से मतलब ड्रामा को खींचा है, लॉन्ग पीरियड बना है, बहुत ही लेंथी ड्रामा है और बहुत ही रोमांटिक तरीके से खींचा है, और एक इंडिविजुअल पर्सन का उन्होंने दिखाया है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि एक इंसानों का होता है, बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो हर इंसानों के दिमाग में चलता रहता है, गुड एंजल एंड बैड एंजल के फॉर्म में। हिज कैरेक्टर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज राइज एंड फॉल। मार्लो मेक द पाथ फॉर शेक्सपियर, लेटर शेक्सपियर कंपोज हिस्टोरिकल प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ मार्लोस एडवर्ड सेकंड। जैसा कि मैंने बताया कि जो उनके करेक्टर हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने उत्थान और पतन के लिए, राइज एंड फॉल के लिए, और मार्लो ने शेक्सपियर के लिए एक प्रकार से एक मार्गदर्शन किया, रास्ता दिखाया कि कैसे हिस्टोरिकल प्लेस भी ड्रामा में डाले जाते हैं, जो कि उन्होंने उनसे, शेक्सपियर ने मार्लो से इंस्पायर होकर के एडवर्ड सेकेंड जो ड्रामा है इंस्पायर होकर के अपने ड्रामा में भी हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाए हैं। सो द ग्रेटनेस ऑफ मार्लो इन द फील्ड ऑफ ड्रामा इज कॉन्सिपिकुअस। कॉन्सिपिकुअस मीन्स होता है विशिष्ट। बिसाइड ऑल दिस न्यू फीचर वी हैव डिस्कस्ड इन ही इंट्रोड्यूस कॉमिक रिलीफ, रिलीफ है RELIEF सीन, ऑल्सो इज ऑर्डरली मैनर। जैसा कि दिखाया है कि मार्लो का जो ग्रेटनेस था फील्ड में कॉन्सिफिशियस था, कॉन्सिफिशियस मीन्स होता है विशिष्ट था, बहुत ही स्पेशल था। बिसाइड ऑल दिस फीचर, उन्होंने न्यू फीचर्स भी लाया, जो कि न्यू फीचर है कॉमिक रिलीफ सीन, जो कि इसमें पा सकते हैं बहुत ही ऑर्डरली मैनर में, मतलब व्यवस्थित रूप से इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके एक क्रम में सिक्वेंस में दिखाया है। ही इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स इन ए फॉर्म ऑफ माइटी लाइन एज इट इज ए मेंशन बाय बेन जॉनसन, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा मेंशन किया था माइटी लाइन। माइटी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ड्रामा के लिए। ही प्रेजेंटेड अब्स्ट्रैक्ट इन ए कॉन्क्रीट गुड एंड इविल एंजल, ही गेव फुल लेंथ ऑफ ए 5 acts ऑफ ड्रामा। इन सच वे मार्लो शेप्ड SHAPED शेप्ड इंग्लिश ड्रामा फॉर इट्स हेल्टर स्केल्टर ऑफ मेडिवलिज्म एंड रोमांटिसिज्म। जैसा कि है कि इन्होंने एक अच्छा सा एक्ट ऑफ द ड्रामा दिखाया है, 5 acts है ड्रामा के, जो कि बहुत ही लेंथी है, लेकिन बहुत ही एक उतार चढ़ाव के द्वारा हेल्टर स्केल्टर मिडविलेजम मध्यकालीन का एक रोमांटिक सीन अच्छे से चित्रित किया यहाँ पे, और इन्होंने एक नए अच्छा सा शेप दिया है ड्रामा को, एक अच्छा सा रूप दिया है, अच्छा सा आकार दिया है, जो कि एक ड्रामा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर फास्टस वुड बी एनफ टू कन्फर्म डैट मार्लोस चेंज द कंसेप्ट ऑफ ड्रामा। डॉक्टर फास्टस वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं कि डॉक्टर फास्टस
उन्होंने जो कंसेप्ट चेंज किया है, डॉक्टर फास्टस एक ग्रेट स्कॉलर बन जाते हैं, महान विद्वान बन जाते हैं अपने समय के। एक सामान्य फैमिली में जन्म लेते हुए, एक नॉर्मल फैमिली का दिखाते हुए, एक नॉर्मल जगह का दिखाते हुए, सामान्य जगह का, ही इज ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। ही इज टायर्ड ऑफ हिज स्टडी, ही इज थर्स्टी फॉर पावर एंड हिडन रीजन, सो ही इज टर्न ब्लैक मैजिक एंड कॉल मेफिस्टोफेल्स इन सच वे ही लाइक मैजिक वेरी मच। जैसा कि उन्होंने अपने स्टडी से थक गए थे और वो टर्न होते हैं एक ब्लैक मैजिक की तरफ, काला जादू की तरफ, उस विद्या की तरफ बढ़ते हैं और मेफिस्टोफेल्स को कॉल्स करते हैं और कहते हैं, मैंने कोटेशन डाला है, एंड निक्रोमेटिक बुक्स और हेवेनली लाइन सर्कल सीन्स लेटर एंड करेक्टर्स ए दीज आर दोज डैट फास्टस मोस्ट डिजायर्स। जैसे कि उन्होंने कोटेशन में, मैंने कोटेशन में लिखा है, उन्होंने ये सब बोला है कि ये सब बुक्स हैं जो सर्कल्स हैं, लाइन्स हैं, सीन्स हैं, ये मेरे दिमाग में नहीं घुसने वाले हैं, ये सब थक गया हूँ, मुझे इन करेक्टर्स के बारे में नहीं याद कर सकता, मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ दूसरी विद्या की तरफ आगे बढ़ना है। सो बट आफ्टर 24 years विच द आवर ऑफ सरेंडर ऑफ हिज सोल ड्रॉज नियर, ही इज फुल ऑफ ग्रेट सफरिंग डिसअपॉइंटमेंट फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्यूजन सो ही से। जब उनके 24 years आफ्टर हो जाते हैं, पास्ट हो जाते हैं, बीत जाते हैं, तो उनके सरेंडर करने का वक्त आता है, तो बहुत ही सफरिंग में हो जाते हैं, बहुत ही दुख में, ग्रेट ग्रीफ में चले जाते हैं और उसके बाद निराशा में चले जाते हैं। फिर उन्होंने एक, मैंने कोटेशन लिखा है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये सब डाल के रखा है, दिया है, माउंटेन्स एंड हिल्स कम्स कम एंड फॉल ऑन मी एंड हाइड मी फ्रॉम द हैवी रेस ऑफ गॉड। कहते हैं कि पहाड़ और पर्वत मेरे पे गिरे और मुझे भगवान की इस कठिन क्रोध से बचा लें। फास्टेस्ट प्रेस टू क्राइस्ट टू सेव, टू गॉड टू सेव हिम, बट इट ऑल इन वेन, हिज सोल इज टेकन अवे बाय द डेविल्स। दस एट लास्ट टू सम वी कैन से दैट द क्रिस्टोफर मार्लो गेव ए न्यू कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने इंग्लिश ड्रामा को एक न्यू कंसेप्ट दिया है, एक नई विचारधारा दी है, जो कि इंग्लिश ड्रामा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक फाउंडर किया है रोमांटिक प्ले को, ब्लैंक वर्स डाल के, माइटी लाइंस और हेल्टर स्केल्टर के मिडविलिज्म ऑफ रोमांटिसिज्म, सब चीज़ों डाल करके उन्होंने ड्रामा को बहुत ही अच्छे से न्यू टर्न लाया है। सो इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है। Thank you.